ज्वालामुखी उपमंडल कार्यालय में एक बड़े हॉल में निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार ज्वालामुखी जगदीश शर्मा ने उपमंडल के कर्मचारियों को आज चुनाव की रिहर्सल करवाई और उनको ईवीएम मशीन की तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर ईवीएम मशीनों को बॉक्स से बाहर निकालकर दिखाया गया और इसे कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, इन सब बारीकियों से उन्हें अवगत करवाया गया ताकि नगर परिषद व पंचायत चुनावों में उन्हें किसी प्रकार की समस्या न आए। यदि ईवीएम मशीन में कोई कमी हो या कोई चुनावों के दौरान समस्या पैदा हो जाए तो उस दौरान कर्मचारियों को क्या करना है उसके बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर परिषद ज्वालामुखी की कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला व चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज नगर परिषद के चुनावों के मद्देनजर पीठासीन अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों की रिहर्सल चली हुई है। इस रिहर्सल में इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाए उसके बारे में, विभिन्न दिशा निर्देशों के बारे में और ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी ज्वालामुखी के सभी 7 वार्डों में 10 जनवरी को मतदान होगा और उस मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मतदान में इस बार हेल्थ का स्टाफ भी, हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ भी प्रतिनियुक्त होगा और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही सारे इलेक्शन करवाए जाएंगे।